कितना इफेक्टिव होगा ट्रीटमेंट, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था। तो अभी पहले बस दो चीज़ें हैं जो आपको, आप उनको पैरामीटर्स लिख के भी लिख सकते हो या फिर जनरल प्रिंसिपल्स के अंडर भी लिख सकते हो, उनको सिर्फ अभी उनके नाम और जनरली डिस्कस करेंगे, बट वो सर्वाइकल और लंबर के कंटेक्स्ट में कैसे वेरी करती हैं वो जब सर्वाइकल भी बोल सकते हो या वेट भी बोल सकते हो, अगर आप अपने नॉर्मल उसमें बोलना चाहते हो कि कितना वेट अप्लाई करना है। तो ये आपको वैसे इसका कोई क्लियर फॉर्मूला जो है वो अवेलेबल नहीं है, नो क्लियर फॉर्मूला। जैसे आप बोलते हैं कि 7% ऑफ की बॉडी वेट या 1/7 ऑफ की बॉडी वेट या 1/8 ऑफ की बॉडी वेट या लंबर में आप बोलते हैं 1/3, तो इसका ऐसे कोई क्लियर या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट वो एविडेंस के बेसिस पे, रिसर्चर्स के बेसिस पे जो इफेक्टिवनेस देखी गई है वो उन परसेंटेज में ज़्यादा थी, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसमें भी ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स आप यूज करेंगे। एक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर सर्वाइकल फ्रैक्शन की हम बात करें तो आप उसमें टेंशन, आप जनरली बोलते हैं कि 1/8 ऑफ द बॉडी वेट यूज कर लेंगे, बट वहाँ पे भी एक फैक्टर आ जाएगा कि पोजीशन वाला, कि पेशेंट सिटिंग में है या फिर लाइंग में है। अगर सिटिंग में है तो आपको पेशेंट की पोजीशन जो है, सिटिंग में है तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लाइंग में आप कम फोर्स लगा सकते हैं। तो ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। तो पहले आप बोल सकते हैं इसको पोजीशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि कितनी फोर्स लगानी है। फॉर एग्जांपल में लिखोगे इसको, सर्वाइकल में अगर सिटिंग में है तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी को भी आपको काउंटर करना है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, बट लाइंग में आप कम फोर्स लगा सकते हैं। दूसरा फैक्टर हो सकता है टेंशन में ही, वेट ऑफ द पेशेंट तो है ही, पेशेंट का बॉडी वेट, या आप अगर इसको स्पेसिफिकली बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो वेट ऑफ द पार्ट टू बी ट्रीटेड, जिस पार्ट को ट्रीट कर रहे हो। जैसे अगर सर्वाइकल की बात करें तो हेड का वेट, और अगर लंबर की बात करें तो लोअर जो बॉडी पार्ट है उसका वेट। बट आप यहाँ पे बॉडी वेट भी लिख सकते हो, क्योंकि जनरली तो आप पहले, सबसे पहले जब पेशेंट आता है टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन में आप यही पढ़ते हो कि ट्रैक्शन अप्लाई करने से पहले आप उनका बॉडी वेट मेजर करते हो, फिर तो बॉडी वेट जाहिर सी बात है कि वो भी एक फैक्टर है जिससे आप कितनी फोर्स चूज करोगे वो डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द पेशेंट, हाँ, और डिपेंड करता है कि जो स्पेसिफिक पार्ट, अगर सर्वाइकल की भी मैं बात करूँ तो सर्वाइकल में आपको पता है C1 to C7 सात वर्टिब्रेज होते हैं, तो उसमें भी अगर हम बात करें अपर सर्वाइकल, मिडिल सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल, तो अगर आपको अपर पे फोकस चाहिए तो आपको कंपैरेटिवली लेस फोर्स यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जहाँ से आ रही है, जो फोर्स का मतलब जहाँ से ट्रैक्शन आ रहा है उसके पास है अपर वाली जगह, फिर अगर मिडिल में तो थोड़ा ज़्यादा, लोअर सर्वाइकल अगर आपका टारगेट है तो थोड़ा और ज़्यादा आपको फोर्स यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला है कि तीसरा, पहला फैक्टर क्लियर है कि पोजीशन पे डिपेंड करेगा फोर्स, कि पेशेंट की पोजीशन क्या है। दूसरा, पेशेंट के बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा, ये भी क्लियर है। थर्ड, डिपेंड करेगा कि अगर उस सेगमेंट में भी कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला यही है कि जो सेगमेंट, अगर जो ट्रैक्शन की फोर्स जहाँ से आ रही है, जो फोर्स है उनके पास, जो सेगमेंट है वहाँ पुल करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे दूर जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा और जो सबसे दूर है उसमें थोड़ा ज़्यादा। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आप मुझे ये बताइए कि अगर लंबर ट्रैक्शन आप अप्लाई लगा रहे हो पेशेंट को, तो L4 से L5 के सेपरेशन में ज़्यादा फोर्स लगाओगे या L2-L3 के सेपरेशन में ज़्यादा फोर्स लगाओगे, इस स्पेसिफिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बताइए। मैम, L2 और L3 में ज़्यादा फोर्स लगती है। यस, क्योंकि वो सोर्स से दूर है। ठीक है, इस स्पेसिफिक पॉइंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ आएगी। अब हम यूज कितना करते हैं लंबर में, सर्वाइकल में, बेसिक फॉर्मूला आपको भी पता है, लेकिन जो स्पेसिफिक कुछ फैक्टर्स और भी हैं, जैसे टाइप ऑफ द टेबल, कि किस तरह की टेबल आपने यूज करी उसके अकॉर्डिंग फोर्स अलग अलग यूज करनी पड़ेगी, वो हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पड़ेंगे, मतलब लंबर में पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये तीन फैक्टर्स याद रहेंगे तो बहुत है, और इसके बाद कुछ कुछ हो सकता है थोड़ा वेरिएशन आपको करना पड़े, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, उसको आप हमेशा लिख सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड जो है
आप क्योंकि अप्रोच यूज करोगे तो थोड़ा मतलब जरूरी नहीं है कि अगर मैं हूँ तो आप मेरे में 170 यूज करते रहोगे, कोई इफेक्टिवनेस नहीं आती, कभी आप थोड़ा बढ़ा के देख सकते हो, तो डिपेंड देगा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो सारे ही ट्रीटमेंट जितने भी होते हैं ट्रायल एंड एरर वाला मेथड सब में एप्लीकेबल होता है। किसी में भी ये नहीं बोला जा सकता कि सपोज अगर अल्ट्रासाउंड हो तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि 1.2 पे ही लगाओ तो ही ये ठीक होगा या तो ही इसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। वो आपको देखना पड़ेगा ट्राई करके अलग अलग इंटेंसिटीज पे, तो हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड हर किसी में होता है। ओके, तो फर्स्ट था टेंशन पैरामीटर में, सेकेंड है एंगल ऑफ पुल। तो एंगल ऑफ पुल की हमने बात करी, वैसे इसको अगर डिफाइन करोगे तो आप इसको इसके नाम से समझ आ रहा है डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ पुल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ स्पाइन, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और जो आप पुल कर रहे हो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ पुल। और इसका कुछ कुछ इसका इंपॉर्टेंट रोल है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिखवाऊंगी कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ पुल, मतलब आप अगर हम सर्वाइकल ट्रैक्शन की बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन में को आप फ्लेक्शन में रखोगे या एक्सटेंशन में रखोगे, अगर फ्लेक्शन में रखोगे तो कितना डिग्री फ्लेक्शन में रखोगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स अभी हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ पैथोलॉजी, टाइप ऑफ पैथोलॉजी क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर्स ट्रीटेड। अब यहाँ पे क्या आएगा, टाइप ऑफ पैथोलॉजी मतलब कि आपका जो पेशेंट है वो क्या है, नर्व इंफ्रिंचमेंट हो रही है या नर्व कंप्रेशन है या फिर फैसेट जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है, क्या प्रॉब्लम है उसकी वजह, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि इसकी नेक को फ्लेक्शन में रखना है या एक्सटेंशन में रखना है या न्यूट्रल पोजिशन में रखना है। और फ्लेक्शन में रखना है तो 5 डिग्री रखना है या 10 डिग्री रखना है या 15 डिग्री रखना है, तो ये डिपेंड करेगा पैथोलॉजी के ऊपर। अभी पैथोलॉजी पे हम आए ही नहीं है, इसके बाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले कि नेक की सिमिलरली लोअर, जब हम नेक बोल रहे हैं तो लोअर वाले को भी मान के चलो लंबर में, कि आपकी लंबर स्पाइन और जो सर्वाइकल स्पाइन है आप उसको फ्लेक्शन में रखोगे या न्यूट्रल पोजीशन में रखोगे या एक्सटेंशन में रखोगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी पैथोलॉजी को ट्रीट कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं या कौन से स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम को आप डिकम्प्रेस करना चाहते हैं। अगर आप फैसेट जॉइंट को डिकम्प्रेस करना चाहते हैं सर्वाइकल में तो आप उसको फ्लेक्शन में रखोगे, अगर आप सिर्फ चाहते हो कि एंटीरियर स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हैं जो कि जनरली पॉपुलेशन नहीं होता बट रेयर केसेस में होता तो आप न्यूट्रल में रखोगे। अभी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लिखवाएंगे आगे जब सर्वाइकल ट्रैक्शन में, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बोल। ठीक है, तो पहली चीज टाइप ऑफ पैथोलॉजी या जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है उनके बेसिस। सेकेंड, एंगल ऑफ पुल डिपेंड करेगा, दोनों चीजें एक्चुअली हमने इसी में लिख दी, टाइप ऑफ पैथोलॉजी और सेगमेंट्स इन्वॉल्व। सेगमेंट्स इन्वॉल्व का मतलब क्या है, वही जो अभी हमने बोला कि अपर सर्वाइकल इन्वॉल्व है या लोअर सर्वाइकल है, इसको लिख देते हैं कभी दिमाग में। एग्जाम्पल, अपर सर्वाइकल, मिडिल सर्वाइकल एंड लोअर सर्वाइकल, कौन सा एरिया आपका टारगेट एरिया है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं सेगमेंट्स इन्वॉल्व की जगह टारगेट एरिया। टारगेट एरिया क्या है, अपर सर्वाइकल आप C2 C3 पे फोकस करना चाहते हैं या C4 C5 या C5 C6, जनरली C5 C6 होता है हमारे केसेस में, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगा कि अगर अपर सर्वाइकल है तो कितने डिग्री फ्लेक्शन रखना है, मिडिल सर्वाइकल है तो कितने डिग्री नेक को फ्लेक्शन में रखना है, लोअर सर्वाइकल है तो कितने डिग्री, तो यहाँ ये भी एक फैक्टर हो गया जो आपके एंगल को अफेक्ट करता है। सिमिलरली लोअर, अगर लंबर ट्रैक्शन की बात करूँ तो अगर L5S1 अफेक्टेड है आपको, वहाँ पे चाहिए ट्रैक्शन की फोर्स, तो आपको जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो मे बी 90 में रखनी पड़ेंगी। अभी ये डिग्री याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर L3L4 है तो मे बी 75 में रखना पड़ेगा, अगर L2L3 है तो मे बी 45 डिग्री पे रखना पड़ेगा। तो आपकी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, आपका हेड या आपके लोअर लिम, इनको कितने डिग्री फ्लेक्शन में रखना है या न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सेगमेंट या कौन सा टारगेट एरिया है, कहाँ पे आप चाहते हो कि मैक्सिमम फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें बताई हैं पैरामीटर्स में, सबसे पहली बताई है टेंशन,
फिर हमने बताया कि टेंशन मतलब फ्रैक्शन की फोर्स कितनी यूज करोगे, जो आप मशीन में देखते हो किलोग्राम्स में लिखी होती है, 5 किलोग्राम 7 किलोग्राम, तो उसमें हमने बताया कि क्या क्या फैक्टर्स उससे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि पेशेंट किस पोजीशन में है, बैठ के लगवा रहा है ट्रैक्शन या फिर लाइंग पोजीशन में है। दूसरा हमने टेंशन में ही दूसरी चीज बोली है हमने कि डिपेंड करता है कि कौन सा टारगेट एरिया, कौन से सेगमेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब जो ट्रैक्शन सोर्स के पास वाले सेगमेंट है उनको पुल करने के लिए कम फोर्स चाहिए और जो दूर वाले सेगमेंट है उनको पुल करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। ये दो चीजें बोली थी, शायद और भी कुछ बोला था क्या? बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट ऑफ कोर्स, वो तो बेसिक है। उसके बाद सेकंड हमने बोला है एंगल ऑफ पुल की, और अगर इसको आप बहुत सिंपल टर्म्स में बोलना चाहो कि जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं जैसे नेक है या लोअर लिम है उनको आप किस पोजीशन में रखोगे, न्यूट्रल, फ्लेक्स या एक्सटेंडेड, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो तीन फैक्टर्स आपको बताए हैं, सॉरी दो। सबसे पहला कि कौन सी कंडीशन है पेशेंट को, क्या पैथोलॉजी है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा कि कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, उस पर डिपेंड। तो अब इनकी डिग्रीज जो भी हैं वो हम बाद में जब डिटेल में एक अलग अलग टाइप का ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक फैक्टर्स की इन पे डिपेंड करेगा कि किस एंगल पे रखना है, ठीक है। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन ये सब तो बाद में पढ़ेंगे कि कितने टाइम के लिए लगाना है ट्रैक्शन। बस एक सेकंड, यूजेज ऑफ ट्रैक्शन यहीं पे आएगी, कंडीशन इफेक्ट एंड यूज। अच्छा मेरे को कोई बताओ, जब आप अभी पढ़ के आए हो ना जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी, तो आप जब कोई भी मोडालिटी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी मोडालिटी, फिर पढ़ते हो थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एनी मोडालिटी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों सेम है, दोनों में सेम लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आएगा तो? नो मैम, दोनों सेम। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों? फिजियोलॉजिकल मतलब आप वहाँ पर क्या चीज हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, क्या चीज हो रही है, जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल उसके कारण इंक्रीज हो रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिशन ज्यादा जा रहा है, वहाँ पे फैगोसाइटोसिस ज्यादा हो रहा है। और मैम ट्रीटमेंट में ये होता है कि मैम वो हीलिंग को कैसे इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है। जनरली हम यही कर रहे होते हैं, सेकेंड ईयर तक भी थर्ड ईयर तक भी बच्चे फिजियोलॉजिकल में थेरेप्यूटिक वाले पेस्ट कराते हैं, थेरेप्यूटिक में फिजियोलॉजिकल, या दोनों को एक जगह पेस्ट कराते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में हमेशा वो चीज़ आती है कि बोलो कि ये ब्लड फ्लो बढ़ा रही है इस एरिया का, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा रही है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ा रही है, रिमूवल ऑफ पेन कॉजिंग मेटाबोलाइट्स बढ़ा रही है, रिमूवल ऑफ इरिटेंट्स बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये हो गए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही थी उसमें जो अल्टरेशन आ रहे हैं मोडालिटी की वजह से, वो उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आएगा। थेरेप्यूटिक में क्या आएगा, थेरेप्यूटिक में आएगा कि उन जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से जो कंडीशन जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास आ रहा था उसमें जो चेंज आ रहे हैं वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम पेन की बात करें, बहुत सिंपल वाला अभी बोलेंगे, पेन गेट थ्योरी तो पढ़ी होगी अगर आपने, तो उसमें ये है कि जनरली क्या होता है पेन गेट थ्योरी में कि आपको चोट लगी, दर्द हुआ, ठीक है, दर्द ट्रैवल कर रहा है, अब आप टेंस लगाते हो, टेंस की इम्पल्सेस जाती हैं, तो टेंस की इम्पल्स यहाँ से गई स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे सब्सटेंस है जिलेटिनोसा में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, सब कुछ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, तो ये सारे हैं आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। बट वो ट्रांसमीटर वहाँ रिलीज हो रहा है, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, और वो रिलीज होके पेन का जो इम्पल्सिस जा रही थी उनको ब्लॉक कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, दर्द कम हो रहा है। तो दर्द कम होना इज थेरेप्यूटिक, एंड जिस वजह से कम हो रहा है, जिस मैकेनिज्म से कम हो रहा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को अलग अलग उसमें रखना है। फिजियोलॉजिकल को आप यूजेस भी बोल सकते हो कि, तो हमेशा जैसे रिलीफ ऑफ पेन, रिलीफ ऑफ मसल स्पैज्म, रिडक्शन इन स्टिफनेस, इंक्रीज इन मोबिलिटी, ये सब आएगा थेरेप्यूटिक में। और जो उस तरह की चीज़ें होंगी कि इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन या एक्टिवेशन ऑफ पेन गेट मैकेनिज्म, या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब आएगा फिजियोलॉजिकल। तो हमेशा इनको पहले से ही अलग करके चलना, दोनों चीज़ों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कहीं कहीं पर थेरेप्यूटिक इफेक्ट और इंडिकेशन को एक साथ लिख सकते हो, वो सिमिलर हो सकते हैं। ओके, इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम जनरली हम अगर फिजियोथेरेपी की बात करें तो ट्रैक्शन का हमने बोला था कि स्पाइन के रिलेटेड ही होता है, कि आप इसको स्पाइनल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम के रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी होती है उन्हीं में यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते,
सकते हैं। नेक्स्ट इज फैसेट जॉइंट पैथोलॉजी, नेक्स्ट इज मसल स्पैज़म, ठीक है। इन इन कंडीशंस में आप जो टेंस है, सॉरी ट्रैक्शन है, उसको यूज करते हैं जनरली इन कंडीशन। लेकिन अब इन कंडीशंस को पढ़ने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि होता क्या है डिस्क प्रोलैप्स में। अगर हमने डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज लिखा है तो उसमें होता क्या है, तो ये इसलिए आपको उसकी बेसिक पहले तो आइडिया होना चाहिए, बेसिक एनाटॉमी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ये पता होना चाहिए कि डिस्क क्या होती है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डिस्क के, और क्या वो बाहर बल्ज होके आ जाते हैं, बाहर बल्ज होके आ जाए तो कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर जिनको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो अब आप मुझे बताइए, क्योंकि आप एनाटॉमी पढ़ के आए हैं, क्या क्या होती है, मतलब बेसिक एनाटॉमी तो समझ गए, बेसिक में तो क्या ही आएगा, अब आपसे बताइए क्या क्या होता है बर्टी पर। जो दिल करे, जो समझ आए कुछ तो बताओ, कट करे होगी ना, बोलो भाई, सुनाई दे रहा है ना जो बोल रही हूँ मैम, आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है, कब से हो रही है?